मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा आसान होगा हिंदी के पेपर का एनालिसिस, क्योंकि जो एक आंसर है जो इंटरव्यू ली गई है उनसे जब ये पूछा गया कि यूजीसी के साथ आपके पेपर की मैचिंग थी, तो ऐसे जवाब भी आए कि 100% मैचिंग थी। तो उनसे जब ये पूछा गया कि कितने पिछले साल के पेपर, तो 10 से 14 साल के पिछले पेपर में से ही 100% हिंदी का एग्जाम आया है, तो यही फैक्टर सारे एनालिसिस को डिसाइड करता है। और इनमें से मोस्ट क्वेश्चन वो हैं जो डायरेक्टली यूजीसी से ही उठाए गए हैं। एवरेज अगर देखना है तो 95% क्वेश्चन जो हैं हिंदी के असिस्टेंट प्रोफेसर के पिछले पेपर में से आए हैं। और कंपटीशन कितना है, दूसरे जो कॉमर्स से अगर कंपेयर किया जाए तो उनसे कम है। 30 पोस्ट हैं और 490 के करीब जो कैंडिडेट 80 के 480-90 के करीब जो कैंडिडेट अपीयर हुए हैं। अच्छा, लेवल क्वेश्चन का उन पर भी बात की गई। अब ये वेरी करता है कि जिन लोगों ने, दो तरह के कैंडिडेट हैं, ये बात याद रखनी है कि कुछ पीएचडी के बेस पर एलिजिबल हैं और कुछ यूजीसी नेट के बेस पर। जिन्होंने यूजीसी नेट दिया है, 2-4 साल पहले दिया है, वो यूजीसी नेट के पेपर से जुड़े हुए थे, वो फ्रेश थे, उनकी इंफॉर्मेशन जो अपडेट थी, तो जब उन क्वेश्चन को रिपीट किया उन्होंने तो उनके लिए वो इजी बन गए। तो वैसे भी मैंने एग्जांपल जब पूछी कि 2-4 एग्जांपल दीजिए, तो वो फिर मेमोरी लेवल के क्वेश्चन ज्यादा सामने आ रहे हैं कि उसमें से भी, यूजीसी में से भी मेमोरी लेवल के क्वेश्चन ज्यादा उठाए गए हैं। ये पात्र किसका है, ये संवाद किसने बोला, डायलॉग किसने बोला, किस नाटक में। तो ऐसे क्वेश्चन को डिफिकल्ट क्वेश्चन या किस क्वेश्चन में रखना चाहिए, वेदर सच टाइप ऑफ क्वेश्चन आर कॉम्पिटेंट टू सेलेक्ट ए गुड कैंडिडेट, तो ये फिर अच्छी बात नहीं है। ओवरऑल जब पूछा गया थे तो क्या आप लेवल क्या डिसाइड करते हो, तो अगर हम वेरी डिफिकल्ट, डिफिकल्ट इजी, मॉडरेट और इजी और वेरी इजी लगाते हैं, तो इजी रेटिंग आ रही है हिंदी का क्वेश्चन भी। टाइम विद इन कोई ज्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि छोटी छोटी स्टेम थी और जल्दी से रीड होके फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो पड़ी है वो सामने रख देनी है, टिक लगा देना है, विद इन टाइम कंप्लीट हो जाता है। कितने कैंडिडेट फीमेल मेल थे, मेल थे, डोमिनेट इसमें भी फीमेल कर रहे हैं। जो स्कोर की बात हुई तो कितने स्कोर एवरेज निकल रहे हैं, हम निकाल सकते हैं 70-80। वैसे मैंने 75-80 पर जो लगाया है पॉइंट के, जो जो कट पॉइंट इससे ऊपर जाने की संभावना है। ठीक, अब इस पेपर में जस्टिस क्या नहीं है, गलत क्या हुआ है। देखिए, जब ये पूछा जा रहा है वो कहते हैं कि पेपर सेटर ने मेहनत नहीं की, ये कॉमन एक कंक्लूजन निकल रहा है। इस डायग्राम को ध्यान से जरा देखना, ये कि एमसीक्यू एक है, कैसा कि एक एमसीक्यू है। अगर यूजीसी नेट वाला पेपर इतने 95% वही क्वेश्चन डाले गए हैं। मैंने 2-4 दिन पहले भी एक वीडियो डाला था कि आप पिछले प्लीज 2-4-5 साल के नेट के एग्जाम देख लीजिए। ठीक, तो यहाँ कितना सुटेबल वो बन रहा था कि अब वो कैंडिडेट जिसने नेट के ही सिर्फ देख के गया था, एक वो कैंडिडेट है। ठीक, एक और कैंडिडेट भी बना लेते हैं जिसने कुछ भी रीड नहीं किया। ऐसे पेपर देने वाले हैं कि जिन्होंने रीड कुछ नहीं किया। ठीक, तो ये जो सिर्फ नेट का एग्जाम पिछले स्टडी करके गए हैं, क्योंकि ऐसी स्ट्रेटजी बताई जाती है कि जब टाइम कम हो पिछले एग्जाम वो टेस्ट जो है सॉल्व कर लीजिए, तो ये कैंडिडेट बेस्ट रहेंगे। यहाँ पर ये कैंडिडेट, ये पेपर ऐसा कहेगा ये वाला बेस्ट है। अच्छा, जिसने स्टडी बहुत, लिटरेचर बहुत स्टडी किया था लेकिन यूजीसी नेट के पेपर नहीं देखे, अब मेहनत इसने ज्यादा की, लेकिन ये जो है इनका रैंक जो है रिलेटिव उनसे लोअर आ रहा है, जो मेरा डाटा कह रहा है। ठीक, और जिसने पेपर यूजीसी के नेट के भी रीड नहीं किए, जनरल मेहनत की हुई थी, तो वो मतलब दिखाई नहीं दे रहे जो मेरिट में। ठीक, तो
तो इसके हिसाब से जो नेट की तैयारी करते हैं करवाते हैं हिंदी में उनका चांस ज्यादा है। कुल मिला के अब तक जितने भी एनालिसिस हुए हैं उनमें से ये बात पक्की है कि सिर्फ पंजाब में पेपर सेटिंग जो है वो पुअर रही है। राजस्थान के अगर पेपर सेटर से जब मैंने जो पेपर सेट हुए हैं एनालिसिस किया है तो राजस्थान का अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन लेवल का, जैसे ये ब्लूम की टैक्सोनॉमी है इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। राजस्थान में देखिए एप्लीकेशन लेवल के अंडरस्टैंडिंग लेवल के क्वेश्चन की गिनती 70-80% आ रही है और हमारे पंजाब में अब हिंदी की बात कर रहे हैं तो 70-80% रिमेम्बरिंग, ये लोएस्ट लेवल है ब्लूम की टैक्सोनॉमी का। और मेरे ख्याल में एक और लेवल हम मिलके जो जब इंडिया वाले जब पंजाब वाले बनाएंगे ब्लूम की टैक्सोनॉमी को हम फेल करेंगे, वो लेवल कौन सा बनेगा? जैसे ये तो लेवल है ना, देखिए एक लेवल, एक मिनट, हाँ ये लेवल एक हो गया, ये दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया, छह हो गया, तो एक हम जीरो लेवल बनाएंगे है ना। जीरो लेवल में क्या होगा कि रिमेम्बरिंग के बिना ही कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रहे हैं जो चार क्वेश्चन पढ़ो, स्टेम पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप चार को देख के बता दो कि भैया ये वाला ठीक है, तो वहां रिमेम्बरिंग की, नॉलेज की, इंफॉर्मेशन की, फैक्ट की भी जरूरत नहीं पड़ रही। तो ब्लूम की टैक्सोनॉमी को हम जो पेपर सेटर हैं, एमसीक्यू कंस्ट्रक्टर हैं, हमारे जो जो इस इंडिया को, देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स उसका फर्स्ट ड्राफ्ट बन चुका है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार हो रहा है, तो इतनी अच्छी सारे पॉलिसी लेवल पर एफर्ट होने के बावजूद हम इतने इस लेवल के क्वेश्चन नहीं बना सकते, तो मतलब कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? देखिए एक क्वेश्चन ने किसी का फ्यूचर डिसाइड करना है, 100 क्वेश्चन आप डिसाइड बना रहे हो, 100 क्वेश्चन ने किसी का फ्यूचर डिसाइड करना है, पंजाब की हायर एजुकेशन का फ्यूचर डिसाइड करना है, तो अगर हम अच्छे एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं बना सकते तो अच्छा फ्यूचर, अच्छी सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर और अच्छे उनका जो फ्यूचर है, अच्छे हमारे बच्चों की हायर एजुकेशन है, वो कैसे देख सकते हैं? तो ये मेरा एनालिसिस था। कोई कमेंट हो, कोई आपका, तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो। थैंक यू।